नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है गुजरात के नर्मदा जिले से। जी हाँ, आज नर्मदा जिले के गरुड़ेसर तहसील के बागड़िया गांव से लेकर स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने के रास्ते पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए जेसीबी लेकर सरदार सरोवर नर्मदा निगम के अधिकारी पुलिस काफले के साथ आए। हालांकि इस घटना के दौरान स्थानीय लोग और अधिकारियों में बहस भी हुई। नर्मदा जिला कलेक्टर का काफिला भी घटनास्थल पर उपस्थित था। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश फैला हुआ है। इस घटना को लेकर हमारे संवाददाता ने पीड़ितों व सरदार सरोवर नर्मदा निगम के अधिकारियों से बात कर इस पूरे मामले को जाना। इंडिया खबर लाइव के लिए गुजरात से गौतम भाई व्यास की एक रिपोर्ट। अमें नवा गाँव मारा फड़िया वतन छे अमारू, अमें वर्षों थी अहीं रहिए छे ने आ लोग मने काले सांजे कही गया छे कि गल्लो राते टोड़वा आई छे, तो मैं आखी रात नहीं सूती, मैं मारो घर वालों बार रही छे, तो मैं एकली औरत हूँ, करूँ छकूँ छूँ आ उभा छे ए लोग ने मने कही के टोड़ो, तो मैं एकला माटे तो खाली करी हकी छूँ, पर हवे तो मारी थी थसे ए तमे विचार करो। एक लोग मने बे कलाक राहत नहीं आपी हकता, तो अमारे छोकरवानू मैं गल्लो चलवीन मैं मारी तन चार तन छोकरियों मैं स्कूल में मोकलू छू ने एनु भारू एनु ए बधु आ गल्ला मेट करू छू ने मारी छोकरियों जीवड़ू छू। आ लोग ने मने बे कलाक राहत मांगू छू, तो भी नहीं मने आपी हकता, ने वट्टा बढ़ा गल्ला रोड पर छे, ए गल्ला ए लोग नहीं हटावी हकता, मारो गल्ला रोड थी केतलो दूर छे ए तमे जोई सको छो, ने ते सत्ता મને આવું કરાવે છે એ લોકો, બધા ઊભા છે, મેં લોકોથી કેટલી હેરાન છું એ તમે જોઈ શકો છો કે ગરડેશ્વર તહેસીલ કે વાઘડે ગાંવ આજ સરદાર સરોવર નર્મદા નિગમ કે કુછ અધિકારી યહાં પર જો દબાણ હૈ વો તોડને કે લિયે આયે થે। આઈએ હમારે સર યહાં પર વાઘડે ગાંવ કે સરપંચ ગોવિંદભાઈ જુડ ચુકે હૈ, હમ ઉનસે જાનને કા પ્રયાસ કરેંગે કે યે પૂરી ઘટના ક્યા હૈ। ગુજરાત ગોવિંદભાઈ ક્યા હુઆ થા? યે યહાં વાઘડે ગામ કે પોલીસ પ્રશાસન નિગમ કે અધિકારી યહાં જો तो दबान हटाने के लिए जो सर्विस रोड में पहले से स्टे ऑर्डर जो किया गया है 24 जनवरी जुलाई 2019 इसके बाद का जो काम बांध काम किया गया हो उसको तोड़ने का कोर्ट का हाई कोर्ट का ऑर्डर है। ऐसा हमारे गांव में बागेरे गांव में ऐसा कोई बांध काम किया नहीं है किसी लोगों ने, जो यहाँ वो स्टे ऑर्डर के वजह से जो कोर्ट ने हुक्म किया वो यहाँ लोगों को मानसिक प्रेशर देने के लिए वो लोग आए, क्योंकि उनके पास जो सब यहाँ ढूंढ के गए कोई पुरावा मिला नहीं कोर्ट में देने के लिए, तो यहाँ के लोगों को डराने के लिए। और ये हमारी जो ज़मीन पहले से 100% एक्वायर किया है, लाभ कुछ दिया नहीं आज दिन तक, और ऐसे ही तोड़ने के लिए बारंबार हमको परेशान करते हैं। इसके बारे में हम लोग गांव के सरपंच के नाते हम जबरदस्त इसको विरोध करते हैं और इसका फाइट भी देंगे, जब मरते दम तब उसके सामने लड़ेंगे, ये हमारा अधिक और अधिक और निर्धार है। यहाँ पर जब अधिकारी ये जो तोड़ने के लिए आए थे तो आपकी अधिकारी के साथ कुछ बातचीत हुई थी? अधिकारी के साथ बातचीत की है, कोर्ट का हमने स्टे और उनको दिखाया है कि 24 जुलाई 2019 का बांध काम हमारे गांव में किसी को किया नहीं, किसी लोगों ने नहीं किया है, बताया है। वो लोग हमको बोलते हैं आपको पुरावा है, तो पुरावा तो उनके पास भी है, कोर्ट ने उनको भी पुरावा दिया है, हमारे पास मोबाइल के अंदर है, हमने दिखाया है और स्टे ऑर्डर का कॉपी भी दिखाया है, फिर भी ऐसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो ये तो मनमानी हिटलर शाही है, तो ये देश में डेमोक्रेसी कहाँ गई? प्रशासन तंत्र यहाँ पर ये जो दबान हटाने के लिए आए हैं वो सिर्फ प्राइवेट दबान ही हटाने का ऑर्डर है या सरकारी दबान भी हटाने का ऑर्डर है? प्राइवेट दबान ही हटा रहे हमारे गांव लोगों का, उनका भी बांध काम अभी चल रहा है, तो प्रशासन को हम बोलते हैं निगम के अधिकारियों को आपका जो बांध काम है स्टे ऑर्डर के बाद का वो भी आप तोड़ डालो, नहीं तो हम जबरदस्ती उनको भी तोड़ डालेंगे। तो अब आप आगे क्या करना चाहते हो? आगे हमारा जो सुखद समाधान हो, हमारा गांव का जो स्टे कोर्ट में हाई कोर्ट में केस चला इसका मसले के साथ, जो हमारा वर्षों से ये प्रश्न चल रहा है, यहाँ के जो लोगों को कुछ लाभ नहीं दिया है, नहीं शिफ्टिंग किया है, ऐसे ही बताते हैं कि आपको शिफ्टिंग कर दिया है, तो ये गांव का सॉल्यूशन करे पूरा, पहले से 61 से ये मसला चल रहा है, तो इसका सुखद अंत हो, यही मेरी तरह से वो निवेदन है। जी आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में, आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना चाहते हैं कि हम जो हाई कोर्ट में स्टे रखा है हमने 24 जुलाई से, तो स्टे अभी तक स्टे का फैसला आया नहीं, फिर भी वो दबान हटाने के लिए आया, हमारे यहाँ बागड़िया गांव में जो काम किया है काम नहीं किया, जो पुराना वाला है उसका दबान नहीं दूर कर सकते वो।
जंगल आप कौन से गांव के हो? ये बागड़िया गांव का है। आपका क्या कहना है इस घटना? आपका मेरा यही कहना है कि सब हमको कानून लगा रहा है सरकार, ये हमारा जो गांव का जो हटाने के लिए बोल रहा है तो हमको कानून लग रहा है। तो वो जो नया जो बांध काम सरकार ने भी किया है नर्मदा निगम वालों ने, तो उनका भी उसको क्यों नहीं कानून लगता? हम कानून तो सबको साथ सबको लगना चाहिए ना। तो पहला हमारा नहीं, पहला सरकार का जो बांध काम किया है वो मकान पहले तोड़े, हमारा ये निवेदन है मेरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश भाई माणिक। कौन से गांव के हो आप? बागड़िया का। तो इस घटना को लेके आपका क्या कहना है? मेरा है कि सुबह जब ये लोग को पूरा प्रशासन को लेके यहाँ पर आ गया है, वो स्टे जो आया है स्टे के विरुद्ध काम कर रहे हैं लोग। उनको हमने पूछा कि तुम्हारे पास क्या पुरावा है हमको बताओ, अगर स्टे ने अगर ऑर्डर दिया तो वो दो। वो तो बोले आपने जब उनके पास से पुरावे मांगे तो उन्होंने आपको कुछ पुरावे रजू किए? नहीं, कुछ रजूआत नहीं किया उन्होंने। किसके पास से पुरावे मांगे थे? जो उनका जो निगम के अधिकारी है उनको पूछा, और दूसरा वो क्या ना वो बोल रहा था, बोले ये चालू करो। मैंने बोला क्यों चालू कर रहा है? हम गरीब आदिवासी के ऊपर आप प्रशासन मतलब हमारे ऊपर दबान करना चाहते हो? जब हम 1961-62 से हमारी जमीन डैम के लिए गया, डैम पूरा हो गया, फिर टेचू आया, फिर भी हम कुछ नहीं बोले। जब हमारे घर के ऊपर आप लोग आ गए तब हमने कोर्ट में जाके केस किया है। जब स्टे हमारा विरुद्ध है तो आप कोर्ट को नहीं मानते? आपकी प्रशासन क्या कर रही है, क्यों ऐसा कर रही है? मतलब ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ताला लगा दो। अगर जनता का अगर कोई अधिकार जो अगर कोर्ट में जाता है उसके न्याय के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट अरे हाई कोर्ट को ताला मार दो। ये सरकार को मेरे को यही कहना चाहता हूँ, अगर हमारी जमीन जब बागड़िया में है तो दूसरा डेडियापाड़ा में जो रहता है हमारा भाई, उसको 36,47,000 रुपया क्यों दे दिया है? जब ये कंप्यूटर युग में ऐसा काला करते हैं तो 1961-62 में ये लोगों ने काला धंधा क्यों नहीं किया होगा? 100% किया होगा, 6 गांव के अंदर है ये लोगों ने, यही मेरा कहना है। तो ये थे हमारे वागड़िया गांव के लोग, जिन लोगों का कहना है कि आज प्रशासन तंत्र द्वारा ये जो कामगिरी शुरू हो चुकी है जिसके कारण यहाँ पर पूरे गाँव में रोष फैला हुआ है। इंडिया खबर लाइव से मैं गौतम व्यास, गुजरात नर्मदा।